हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास टू की है। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर सेकंड चल रहा है, नाउन है। ठीक है बच्चों, आज सब कुछ सेकंड सेकंड ही है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, मैंने बताया था नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है बच्चों? नाउन इज ए नेम। नाउन इज ए नेम, किसी भी चीज़ के नेम को ही आप नाउन कहते हो। ठीक है, जैसे मेरा नेम क्या है, मनीष है, तो आप मनीष क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। इसका नाम व्हाइट बोर्ड है, तो ये या क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, मतलब एनी नेम यू कैन से इट इज ए नाउन। बात समझ में? तो बच्चों, अब आपने बहुत सारी चीज़ों के नेम पहले यहाँ पे राइट कर लिए थे, लिख लिए थे। तो बच्चों, यहाँ पर आप अब चीज़ों के और भी नेम्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है, पहला क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको कॉपी पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, आपको फर्स्ट में क्या दिख रहा है बच्चों? ये क्या है, एक बुक है। क्या है? एक बुक है। आपको यहाँ पे नेम भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको यह चीज़ों को पहचान के यहाँ से नेम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या बच्चों? बुक है। फर्स्ट में क्या है? बुक, जिससे आप रीडिंग करते हो, वही बुक। ठीक है, सेकेंड में क्या है बच्चों? सेकेंड में है एक ट्रेन। एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो ट्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रेन। तो दूसरे में ट्रेन लिख लेना बच्चों, TRAIN, ट्रेन। ठीक है, थर्ड में क्या बच्चों? आपको एक टीवी दिख रहा होगा, आगे कंप्यूटर का कीबोर्ड दिख रहा है और एक CPU दिख रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तीनों को कॉम्बिनेशन को हम कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये केवल बच्चों टीवी को कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, केवल माउस को ही आप केवल CPU को ही आप कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, तीनों को मिलाकर आप कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड में क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। बच्चों, जानबूझ के मैं कॉपी पे किताब पे नहीं बता रहा हूँ इस बार। ठीक है, चलो फोर्थ फिगर में बच्चों आपको यहाँ पर एक वॉच दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक वॉच दिख रहा है, एक रिस्ट वॉच दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक वॉच, WATCH, ये सी है बच्चों, ये सी। क्या दिख रहा है? वॉच। क्या है ये? एक रिस्ट वॉच। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। आपको नेक्स्ट में बच्चों दिख रहा है एक फ्लावर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फ्लावर, एक फूल है जिसमें चार पांच पंखुड़ियां हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। नेक्स्ट बच्चों, एक नेक्स्ट में बच्चों आपको दिख रहा होगा एक भालू की टाइप का कुछ जानवर दिख रहा होगा, लेकिन बच्चों जानवर नहीं है वो, एक खेलने का खिलौना है जिसको भालू की तरह दिखता है, उसको हम बोलते हैं टेडी बियर। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेडी बियर। लिख लेंगे सेकंड में टेडी बियर, TEDDY BEAR, टेडी बियर। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट बच्चों एक चेयर दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा? एक चेयर, CHAIR, CHAIR, चेयर। नेक्स्ट में आपको एक चेयर दिख रहा होगा। फिर बच्चों एक आपको एक बांसुरी दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। फ्लूट का मतलब क्या होता है बच्चों? बांसुरी। बच्चों हम इसे जब मेले में जाते थे तो बजाने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक है, तो चलो बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। आप इसे नोट कर लो। चलो मिटा दिया बच्चों इसको, नोट कर लिया होगा आपने इसको, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो अगला है हमारा, लिखा हुआ है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर ई पे आओ। क्वेश्चन नंबर ई बच्चों, आप क्वेश्चन खुद कॉपी पे लिखेंगे, अंडरलाइन में नाउंस लिख रहा हूँ, अंडर लाइन द नाउंस, नाउंस NOUNS, बाकी क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो,
मतलब कि नीचे लिखे जितने सेंटेंस है उसमें सबको आपको नाउन को अंडरलाइन करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, लिखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दैट इज बॉब फर्स्ट है बच्चों ये। सेकेंड है, द पेंसिल इज इन माई पॉकेट। द पेंसिल इज इन माई पॉकेट। थर्ड है, देयर इज हॉट पिज्जा इन द प्लेट। थर्ड है बच्चों ये। फोर्थ पे आ जाओ, द कैट इज चेजिंग द रैट। फिफ्थ पे आ जाओ, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। सिक्स्थ पे आ जाओ, मंकी इज ईटिंग बनानाज। ठीक है, नेक्स्ट है सेवेंथ है, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एट पे आ जाओ, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है, नेक्स्ट चलो बच्चों आ जाओ। चलो बच्चों, मैंने आठों जो सेंटेंस है बच्चों यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ सा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसमें कह रहा है, इसमें नाउंस जो होंगे ना उनको अंडरलाइन कर देना है, उनमें जो नाउंस हैं उनको आपको अंडरलाइन कर देना है। तो बच्चों हम नाउंस को पहचानते कैसे, मैंने आपको बताया था जो नाउन होते हैं, नेम को ही हम नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन बोल देते हैं। बात समझ आ गई? तो लिखा हुआ दैट इज बॉब, लिखा हुआ वह है, बॉब है, तो मतलब वह कोई नाम है नहीं, लेकिन बॉब एक नेम है कि नहीं। जैसे मेरा नाम मनीष है तो बॉब भी किसी का नाम होगा, किसी का नेम होगा, तो बॉब को हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि बॉब किसी चीज़ का नेम है और नेम को हम नाउन कहते हैं, नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखा हुआ द पेंसिल इज इन माई पॉकेट। अच्छा बताओ, मैं पेंसिल कह रहा हूँ, मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है, मैं कह रहा हूँ पेंसिल इज इन माई पॉकेट, मैंने ऐसा रख लिया पेंसिल। तो बताओ बच्चे, ये पेंसिल जो है किसी चीज़ का नेम है कि नहीं है? अगर मैं पेंसिल बोल रहा हूँ तो आप किसी चीज़ को पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो कि हाँ पेंसिल ऐसी होती है? तो इस चीज़ का नेम है पेंसिल, इसका मतलब इसका पहचान है पेंसिल, इसका नेम। बस समझ आई? तो इसका मतलब पेंसिल किसी चीज़ का नेम है तभी हम इसको पहचान रहे हैं। तो बच्चों ये क्या होगा, पेंसिल क्या होगा एक नाउन होगा। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, नाउन को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ पॉकेट, अच्छा ये पॉकेट है, मैंने कहा पॉकेट तो आपके दिमाग में तुरंत इसका ख्याल आया कि ये एक पॉकेट है कि नहीं, तो इसका इस चीज़ का नेम क्या है, तो पॉकेट है। इस चीज़ का नेम क्या है बच्चों, पॉकेट। तो नेम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो बच्चों पॉकेट भी हमारा क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, देयर इज हॉट पिज्जा इन द प्लेट, प्लेट में गर्म पिज्जा है। ठीक है, तो बताओ बच्चों देयर मतलब वहाँ होता है, देयर का मतलब, तो वहाँ कोई जगह है नहीं, वहाँ तो पता नहीं कहाँ है, कोई नाम नहीं है ये। हॉट पिज्जा, पिज्जा क्या है, किसी चीज़ का नेम है कि नहीं है? हॉट मतलब गर्म, गर्म किसी चीज़ का नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन पिज्जा क्या है, एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है जिसको आप समझ सकते हो। तो पिज्जा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा नाउन हो जाएगा, और नाउन होगा तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, तो प्लेट बच्चों, प्लेट जो होता है उसको आप देख के पहचानते हो ना, जब प्लेट बोलते हो तो उसको पहचान जाते हो ना कि प्लेट है, प्लेट को आप पहचान जाते हो। तो प्लेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन हो जाएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो नाउन है तो आप प्लेट को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे।
नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखा हुआ है द कैट इज चेजिंग द रैट, जो कैट है वो रैट को चेज कर रही है। तो बच्चों कैट किसी चीज़ का नाम है कि नहीं है, नाम है, नेम है, तो नेम है तो अंडरलाइन कर लो भैया, बात समझा गई। चेजिंग द रैट, रैट को कैट जो है वो चेज कर रही है, कहेंगे कि यस दिस इज रैट, रैट को भी आपने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप इसको पहचान पाएँ, बात समझा रही बच्चों। बच्चों मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो मैं इसको फिर से अंडरलाइन करता हूँ। ये बॉब के नीचे है अंडरलाइन, पेंसिल के नीचे अंडरलाइन, पॉकेट के नीचे अंडरलाइन, पिज्जा के नीचे अंडरलाइन, कैट के नीचे अंडरलाइन, रैट के नीचे भी अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि रैट भी तो किसी चीज़ का नाम है और नाम को हम नाउन कहते हैं और नाउन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अरे बताओ कोलकाता, कोलकाता किसी जगह का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी राज्य का नाम है, तो किसी शहर का नाम है सॉरी, तो कोलकाता को आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये नेम है और नेम को हम नाउन कहते हैं और नाउन को ही अंडरलाइन करना है हमको। सिटी क्या है बच्चों? सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर, ठीक है। तो सिटी है किसी शहर है किसी चीज़ का नाम है तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे भाई, बस हो जाए किसी चीज़ का नाम है। मंकी क्या है? मंकी, मंकी मतलब बंदर, किसी चीज़ का नाम है तो अंडरलाइन कर लिया। बनाना मतलब केला, केला किसी चीज़ का नाम है कि नहीं है तो अंडरलाइन कर लिया बनाना को। ताजमहल, ताजमहल का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ का नाम है, एक बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, आगरा में है, तो उसको क्या बोलेंगे? नाउन है। बिल्डिंग भी खुद भी क्या है बच्चों? नाउन है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, केवल बिल्डिंग को अंडरलाइन करना। अकबर क्या है? किसी पर्सन का नाम है, अकबर को अंडरलाइन कर लो। किंग क्या है? ये भी एक नाउन है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, बात समझ में आई। किंग भी किसी चीज़ का नाम है। तो बच्चे इस प्रकार आपने नाउन्स को अंडरलाइन करना सीख लिया और अंडरलाइन उन्हें कर भी लिया। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप यह नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इन्हें पहचान, इन्हें लिखना सीख गए होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलो वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखा हुआ है अरेंज दीज नाउन्स अगेंस्ट करेक्ट कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर एफ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर एफ है, लिखा हुआ है अरेंज दीज नाउन्स अगेंस्ट करेक्ट कैटेगरी। मतलब कि जैसे ये बहुत सारे नाउन्स लिख दिए गए हैं वहाँ पे और यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, तो आपको सॉर्ट आउट करना कि कौन सा चीज़ क्या है। तो बच्चों मैं करवा देता हूँ इसे, फर्स्ट लिखा, अब यहाँ पे लिख लेंगे आप क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे अरेंज दीज नाउन्स, ये आपका काम है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे नाउन है उसको आप लिख लेंगे, जितने सारे नेम्स लिखे हुए हैं जैसे बॉय, साइकिल, टॉफी से लेकर प्लम्बर, सेफ तक, ठीक है, सबको आप लिख लेंगे। तो बच्चों लिखेंगे प्लेसेज, प्लेस में लिखेंगे persons, 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 एनिमल्स, एनिमल्स, अभी मैं कैटेगराइज करा रहा हूँ, प्लेसेज, प्लेसेज, नेक्स्ट है थिंग्स, थिंग्स। चलो बच्चों स्टार्ट आउट करना शुरू कर देते हैं, कौन से पर्सन है, कौन से एनिमल है, कौन से प्लेस है, कौन से थिंग है, ठीक है। चलो चलो बच्चों बताओ, बॉय पहला लिखा हुआ, बॉय, बॉय कोई आदमी का नाम है, किसी बच्चे का नाम होगा, पर्सन होगा वो, तो लिख लेंगे बॉय, बॉय,
लिखेंगे बॉय, पर्सन लिखेंगे बॉय, बी ओ वाई बॉय, बी ओ वाई बॉय। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल क्या बच्चों, एक थिंग है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, बी आई सी वाई सी एल ई, बाईसाइकिल। टॉफी, टॉफी भी क्या है बच्चों, एक थिंग है, लिखेंगे टॉफी, टी ओ एफ एफ ई ई, टॉफी। पप्पी, पप्पी बच्चों मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, उसे हम क्या बोलेंगे, कुत्ते का बच्चा बोलेंगे पप्पी, पप्पी का मतलब कुत्ते का बच्चा, वो एनिमल में आएगा बच्चों, पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा, उसको हम एनिमल में लिखेंगे, ठीक है। गार्डन, गार्डन बच्चों क्या है, एक प्लेस है, एक प्लेस कह सकते हैं आप, ठीक है, थिंग नहीं है वो, प्लेस है, लिखेंगे गार्डन, जी ए आर डी ई एन, गार्डन मतलब बागीचा। बियर, बियर मतलब होता है बच्चों भालू, एक जानवर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बियर मतलब क्या हुआ बच्चों, भालू, बी ई ए आर, बियर, बियर एक जानवर है। मैंगो, मैंगो बच्चों एक फल का नाम है, तो इसको आप थिंग में लिख लेंगे, मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, मैंगो मतलब आम। पिलो, पिलो मतलब तकिया, ये भी बच्चों थिंग में आएगा, पी आई एल एल ओ डब्ल्यू, पिलो, पिलो मतलब तकिया होता है बच्चों, ये भी इसी में आएगा। पुलिसमैन, पुलिसमैन बच्चों पर्सन होता है, पी ओ एल आई सी ई एम ए एन, पुलिसमैन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों होटल, होटल एक प्लेस है, लिख लेंगे होटल, एच ओ टी ई एल, होटल, होटल एक प्लेस है। चेरी, चेरी भी बच्चों एक थिंग है, चेरी का मतलब बच्चों एक खाने वाली चीज, चेरी होती है, उसी का मुझे लग रहा लिखा हुआ है, सी एच ई आर आर वाई, अब इसका कोई और मीनिंग होता होगा बच्चों तो मैं अगली क्लास में सही करा दूंगा, फिलहाल चेरी का मतलब मुझे यही पता है, मैं वही लिखवा रहा हूँ। टेलर, टेलर बच्चों मतलब जो कपड़े का सिलाई करता है, तो वो कौन होता है, पर्सन होता है, टी ए आई एल ओ आर, टेलर, ठीक है। स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया, गौरैया चिड़िया है बच्चों, तो एनिमल में लिख लेंगे एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया। कैट, कैट का मतलब होता है बच्चों एक जानवर होता है, कैट, कैट मतलब जानवर, आपने देखा होगा कैट, बिल्ली, तो ये भी एनिमल में लिख लेंगे। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल बच्चे एक प्लेस है जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल को आप प्लेस में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट बच्चों एक जानवर है जिसको बोलते हैं खरगोश, आर ए बी बी आई टी, रैबिट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर भी एक बच्चों प्लेस है, तो प्लेस में लिखेंगे टी ई एम पी एल ई, टेम्पल, ठीक है। टाइगर, टाइगर एक जानवर है बच्चों, एनिमल में लिख लेंगे टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एक थिंग है, पाइनएप्पल, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई, पाइनएप्पल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ टीचर, टीचर बच्चों कोई पर्सन ही होगा, जैसे मैं हूँ, तो आप लिखेंगे टीचर पर्सन में, टीचर पर्सन में लिख लेंगे टीचर। नेक्स्ट लिखेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल, वो एक प्लेस है, लिखेंगे फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, जंगल हो गया, ठीक है, उसको भी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे प्लम्बर, प्लम्बर बच्चों जो नल ठीक करता है उसको प्लम्बर बोलते हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे प्लम्बर। नेक्स्ट बच्चों सेफ, सी एच ई एफ, सी एच ई एफ, सेफ, सेफ भी बच्चों जो खाना बनाता है उसको हम सेफ बोलते हैं, उसे भी हमने लिख लिया पर्सन में, बात समझ आ गई बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत समझ में आई होगी, आपका एक क्वेश्चन बाकी रह गया है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा करा दूंगा, तब तक के लिए आप इस चीज़ को देखें और पढ़ के आएँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, और जितनी हो सके अच्छे से घर में पढ़ाई करिए, बाहर बिल्कुल भी मत लगे, बाहर निकलने आपके लिए बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अगर आपको कोई डाउट आता तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।